हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे 7 रीजंस व्हाई यू शुड हैव क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड क्यों, आपके पास क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला रीजन है क्रेडिट कार्ड होने का कि आपको 50 डेज का ऑन एन एवरेज 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा। जैसे कि आप शॉपिंग करते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड से स्वाइप करते हो तो आपके अकाउंट से इंस्टेंट पैसे चले जाएंगे। अगर आप यही शॉपिंग आप क्रेडिट कार्ड से करते हो तो आपको पेमेंट करने के लिए लगभग ऑन एवरेज 50 दिन का समय मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है क्रेडिट कार्ड की। जैसे कि आप अभी बाय कर सकते हैं और बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 50 दिन का लगभग सभी क्रेडिट कार्ड कंपनियां 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देती है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। इसी दौरान आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ना कोई चार्जेस लगेंगे। तो दूसरा पॉइंट है ये, इमरजेंसी में आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। इमरजेंसी की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे सामने नजर आती है मेडिकल इमरजेंसीज। जैसे किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो हॉस्पिटल आपसे इनिशियल डिपॉजिट मांगेगा। वो कभी किसी केस में कभी 10,000 हो सकता है, कभी 50,000 हो सकता है, और डिपेंड ऑन द केस। तो मेडिकल इमरजेंसी केस में आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड हो तो आप क्रेडिट कार्ड से ये मेडिकल इमरजेंसी के काम आ सकता है। आपके कोई बिल हो, इनिशियल डिपॉजिट हो, कोई अदर चार्जेस हो, आप उससे पे कर सकते हैं। और इसी प्रकार कोई अदर आपकी इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड आपकी सहायता कर सकता है, इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड रखना जरूरी होता है। आपको किसी से पैसा मांगना पड़ सकता है, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्रेडिट कार्ड से भी एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम इमरजेंसी के केस में रिकमेंड कर सकता हूँ। तीसरा पॉइंट है कि कन्वीनियंस। आजकल ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना इतने कॉमन सी चीज बन चुकी है। ऑनलाइन पेमेंट्स में आता है आपका यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, ये सब चीजें। ऑनलाइन शॉपिंग हर हफ्ते में हम करते रहते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग हो हम करते रहते हैं। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो आपके लिए पेमेंट करना कन्वीनियंट होता है। इसके साथ आप ऑटो बिल पे भी कर सकते हो, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स के ऑटो पे ऑप्शन आप एक्टिवेट करके रखेंगे तो आपको ये याद रखना जरूरी नहीं पड़ेगा कि कौन सा बिल कब ड्यू है, कितना अमाउंट है। अगर आप ऑटो पे ऑप्ट करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से आपकी पेमेंट होती रहेंगी। और कुछ सब्सक्रिप्शंस होते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये क्रेडिट कार्ड की डिमांड करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हो तो आप ये ऑटो से सब्सक्रिप्शन आप पे कर सकते हैं। आप अगर किसी शॉप में जाते हो या मर्चेंट्स के लोकेशन पे आप स्वाइप करके आप मनचाही शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक कन्वीनियंस पार्ट आता है। और क्रेडिट कार्ड को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रहता है, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, या आप कहीं पे भी किसी भी शॉप साइट्स जगह पे ये एक्सेप्ट होता है। चौथा पॉइंट है कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड रखना कैश रखने से भी ज्यादा सेफ रहता है। कैश रखेंगे तो आपको एक रिस्क रहेगा कैश कैरी करने का, तो एक रिस्क ये आपकी घट जाती है क्रेडिट कार्ड रहने के चलते। आपको दूसरी चीज, अगर आप मेट्रो में हैं और पर्टिकुलरली आप कार यूज करते हैं, तो अगर आपको कैश निकालना हो तो आपको एटीएम की ढूंढना पड़ेगा। अगर एटीएम मिला तो पार्किंग की समस्या है, अगर पार्किंग भी मिल गई तो आपको एटीएम की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इतना करके भी कभी कभार एटीएम से कैश नहीं मिलता है क्रिटिकल टाइम में। तो इसी समय में आपके अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके पैसा पे कर सकते हैं। इसमें चेंज का भी एक इशू रहता है मार्केट में। अगर आप कुछ चीज़ें खरीदने जाओ तो आपके पास चेंज नहीं होता है, तो इसके चेंज की झंझट से भी छुटकारा आप क्रेडिट कार्ड से पा सकते हैं। तो कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मूवी टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो कभी कभार किसी क्रेडिट कार्ड पे आप
ऑफर दे सकते हैं कि एक अगर आप टिकट बाय करो तो एक आपको फ्री मिलेगा, ऐसे एन नंबर ऑफ ऑफर्स मिल रहेगे क्रेडिट कार्ड्स पे, डिस्काउंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रास, जैसे कि 5% to 20% जनरली डिस्काउंट मिलते रहते हैं क्रेडिट कार्ड पे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर कोई सेल वगैरह हो, फ्लैश सेल हो तो आपको क्रेडिट कार्ड हो होता है तो आपके पास, तो आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। कैशबैक ऑफर्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने एक टीवी लिया था 50,000 का, तो उसमें मुझे 5,000 कैशबैक मिला क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करने के चलते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते जाएंगे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ये आप रिडीम कर सकते हैं किसी गिफ्ट्स के सामने, या तो आप क्रेडिट भी इसका ले सकते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट का क्रेडिट भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्रेडिट कार्ड हो रहेगी आपके पास तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। आप इजी ईएमआई के द्वारा भी शॉपिंग कर सकते हो, कोई चीज़ आपके पास अप फ्रंट आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपकी ईएमआईज में भी क्रेडिट कार्ड के द्वारा लेके इसका पेमेंट इंटरेस्ट फ्री ईएमआईज में कर सकते हो, तो इसके चलते आपका एक परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए आपका सैलरी है 50,000 और आपको कोई 1,00,000 की चीज़ लेनी हो, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लेना हो 1,00,000 का, तो आप ईएमआई में बाय कर सकते हैं, ताकि आपको पेमेंट्स जो है, अगर आप इंस्टेंट 1,00,000 का स्वाइप करते हैं तो आपका ड्यू बनता है 1,00,000 और आपका नेक्स्ट सैलरी होगा 50,000, जिसके चलते आप पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर यही चीज़ आप ईएमआई लेंगे 6 मंथ्स की ईएमआई मान लीजिए, तो आपको 6 मंथ में ये 1,00,000 का अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो इसके चलते आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। सेफ्टी एक फीचर है क्रेडिट कार्ड का। एटीएम क्या होता है, एटीएम आपके एक सेविंग अकाउंट जो होता है उससे आपका लिंक होता है। अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस है और आपका ये अकाउंट लिंक्ड है और बाय चांस आपकी सिक्योरिटी या डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो आपको आपके अकाउंट से पूरा पैसा चला जाएगा आप। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आप अगर कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ हो, अगर आपने इंस्टेंट रिपोर्ट कर दिया इमिडिएटली, तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। और क्रेडिट कार्ड का एक फ़ायदा ये भी होता है, इसमें एक लिमिट दी जाती है आपको, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड 50,000 का है तो आपकी रिस्क बनी रहेगी 50,000 की ही, और उसमें भी आपने अगर फ्रॉड रिपोर्टिंग कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी जीरो हो जाती है। वैसा एटीएम के केस में नहीं है, जैसे कि आपके अकाउंट में ढेरों सारा पैसा पड़ा हो और आपके क्रेडिट कार्ड की एटीएम कार्ड की डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो आपके अकाउंट से पूरा पैसा स्वाइप हो सकता है, भले आपको पैसा वापस मिलेगा, आपको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो, बैंक में कंप्लेंट करोगे, FIR करेंगे, बैंक भी आपका हेल्प करेगा, लेकिन इस समय में पैसा आने में टाइम लग जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड हो तो आपकी लाइबिलिटी नहीं हो जाती। तो अगर जनरली ये चीज़ जिस ज़्यादा रिस्क है, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके रिटायरमेंट के फंड्स पार्क हुए हैं सेविंग्स में, या ज़्यादा जिसके पास ह्यूज बैलेंस रहता है सेविंग में, तो उनके लिए ज़्यादा रिस्क रहती है, तो वो बेटर है एक क्रेडिट कार्ड परचेस कर लें। शॉपिंग करना है तो क्रेडिट कार्ड से ही करें, मंथली बिल उनका पे होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते आपको क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। तो अगर आप ये पॉइंट्स समझ के आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो आपको बाकी चीज़ों के बारे में आपको एजुकेट करूं, जैसे कि आपको क्या मिस्टेक्स क्रेडिट कार्ड लेने के बाद नहीं करनी है। मैंने एक वीडियो बनाया है 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, और स्मार्ट टिप्स भी मैंने शेयर की हैं एक वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, या तो आई बटन में भी आप ये वीडियो दे सकते हो। क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस क्या होते हैं, ऑल चार्जेस मैं इस वीडियो में बताया है, तो आप ये वीडियो आई बटन में दे सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के चलते ट्रैप में फंस गए तो कैसे आप बाहर आ सकते हैं, या तो ये डेब्ट ट्रैप आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।